दिवाली के मौके पर जम्मू कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी, सरहद पर डटे जवानों के साथ मनाएंगे त्यौहार। सुबह करीब 10:30 बजे जम्मू एयरपोर्ट पर उतरा पीएम का विशेष विमान, यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे राजौरी। हर साल सेना के साथ दिवाली मनाते हैं पीएम मोदी, इस बार राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जवानों को खिलाएंगे मिठाई। आज देश दुनिया में मनाया जा रहा है दीपावली का त्यौहार, लंका विजय के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी का पर्व। आज की जाएगी धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की आराधना, शाम 6:09 से रात 8:20 तक पूजा का शुभ मुहूर्त। दिवाली पर मोदी सरकार का तोहफा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई कमी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए घटाई, डीजल पर एक्साइज 10 रुपए घटी। दिल्ली में अब पेट्रोल 105 रुपए और डीजल 88 रुपए प्रति लीटर, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने पीएम को कहा शुक्रिया। पिछली बार एक्साइज ड्यूटी में की गई थी भारी बढ़ोतरी, पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 16 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, अब कटौती से मिली कुछ राहत। केंद्र के बाद राज्यों ने भी दी राहत की डोज, कई राज्यों ने घटाया वैट। सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 2 रुपए घटाया वैट, दोनों की कीमत में 12 रुपए प्रति लीटर की मिली राहत। बिहार में भी वैट में कमी, पेट्रोल पर 1.30 रुपए वैट घटा, डीजल पर 1.90 रुपए की कटौती। असम सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपए वैट घटाया, नई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू। ज्यादा एक्साइज की वजह से महंगे थे पेट्रोल प्रोडक्ट्स, कल तक पेट्रोल पर थी 32.90 रुपए की एक्साइज ड्यूटी, डीजल पर 31.80 रुपए की थी एक्साइज ड्यूटी। अब तक जीएसटी का हिस्सा नहीं है पेट्रोल और डीजल, केंद्र लगाता है एक्साइज ड्यूटी, राज्य लगाते हैं वैट। गुजरात में वैट में 7 रुपए की कमी, असम, त्रिपुरा, गोवा और कर्नाटक में पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए की कमी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी पर विपक्ष को नजर आई सियासत, राजस्थान कांग्रेस ने कहा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर राहत। ममता बनर्जी ने भी राहत को बताया सरकार का स्टंट, अभी नहीं घटाया वैट। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा दिल से नहीं डर से निकला फैसला। पेट्रोल डीजल सस्ता होने पर लोगों में खुशी, थोड़ी राहत से ही दिवाली में रौनक। दीपावली पर प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं, ट्विटर पर लिखा सभी के जीवन में सुख संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए प्रकाश पर्व। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सबसे पहले मनी दिवाली, फुलझड़ियां जलाकर की गई भस्म आरती। दूध दही और शहद से हुआ महाकाल का अभिषेक, तिल केसर चंदन और इत्र का लगाया उपचन। दिवाली के मौके पर 56 तरह के पकवानों से लगा महाकाल को भोग, विशेष पूजा में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु। हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, अयोध्या में दिवाली की विशेष रौनक। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने की दिवाली पूजा, बजरंगबली ने से लिया त्यौहार पर आशीर्वाद। हनुमानगढ़ी के बाद रामलला के भी दर्शन के लिए पहुंचे सीएम योगी, आज ही गोरखपुर के लिए होंगे रवाना। अयोध्या में कार सेवक पुरम भी पहुंचे सीएम योगी, साधु संतों से की मुलाकात। अयोध्या में बीपीएल परिवार से भी मिलने पहुंचे सीएम योगी, दीपावली पर दिया उपहार। स्वर्ण मंदिर में की गई दिवाली पूजा, सिख श्रद्धालुओं ने मनाया बंदी छोड़ दिवस। हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, दिवाली पर विशेष पूजा पाठ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दिवाली के मौके पर तैयार की गई मां लक्ष्मी की 12 फुट की प्रतिमा, 1000 से ज्यादा दीपकों से की गई आराधना। त्रिवेंद्रम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भी दिवाली की पूजा, उमड़ी भक्तों की भीड़। दिवाली के अवसर पर वाराणसी में भी उमड़ी भक्ति, गंगा घाटों पर हुई विशेष पूजा। दिवाली के मौके पर देशभर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों में बढ़ी चौकसी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह के आवास में दिल्ली पर जुटे खास मेहमान, कोविड में माता पिता को खोने वाले बच्चों के साथ मनाएंगे त्यौहार। सोलापुर के बाजीराव पेशवा मिलिट्री स्कूल के छात्रों ने खास अंदाज में मनाई दिवाली, शहीद जवानों के परिवारों को भेजे उपहार और मिठाई। उधमपुर में शहीदों के नाम की गई दिवाली, दिए जलाकर दी गई श्रद्धांजलि।
अब अमेरिका में भी दिखेगी दीपावली की रौनक। सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने का बिल अमेरिकी संसद में पेश। दिल्ली के जश्न में डूबा देश। छोटी दीपावली पर 12 लाख दिए की रोशनी से जगमग हुई राम की नगरी। अयोध्या में दिए जलाने का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में सरयू के किनारे राम की पैड़ी पर जलाए गए 9 लाख दिए। शहर के दूसरे हिस्से में 3 लाख दिए। अयोध्या में सरयू किनारे शानदार लेजर शो का आयोजन। राम भगवान के जीवन की दिखी झलकी। के दौरान सीएम योगी ने की सरयू की आरती। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी रहे मौजूद। अयोध्या में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले जो राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे अब करेंगे कार सेवा। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान योगी का बड़ा ऐलान। बोले अब गरीबों को 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक मुफ्त में दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने किया किसान स्मृति दिवस मनाने का ऐलान। कार्यकर्ताओं से बोले जिनको मार दिया गया उन किसानों की याद में जलाए दिए। कल केदारनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवान केदार की करेंगे पूजा अर्चना। केदारनाथ में जोरों पर है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियां। उत्तराखंड के सीएम ने किया निरीक्षण। दीपावली पर फूलों से सजा केदारनाथ का दरबार। भैया दूज के दिन बंद हो जाएंगे कपाट। छठ की तैयारियों में जुटी बिहार सरकार। नीतीश ने स्टीमर पर बैठकर लिया गंगा घाटों का जायजा। जेल में बनेगी लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की दिवाली। टल गई जमानत अर्जी पर सुनवाई। अब 15 तारीख को होगा फैसला। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी डटे हैं किसान। टिकैत ने सरकार पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। टिकैत ने सरकार को बातचीत के लिए दिया 26 नवंबर तक का वक्त। न्योता नहीं मिलने पर 5 साल तक आंदोलन करने की चेतावनी। उसका रिजल्ट तो देगी भाई, प्रसाद तो देगी ना जनता। जनता के मंदिर में गया तो उन्होंने प्रसाद दे दिया। आखिरकार दुनिया ने माना मेड इन इंडिया का लोहा। कोवैक्सीन को WHO से मिली मान्यता। आपात इस्तेमाल के लिए हरी झंडी। कोवैक्सीन को मान्यता मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री ने जताई खुशी। कहा ये पीएम मोदी के संकल्प की कहानी। ये आत्मनिर्भर भारत की दिवाली। 40 जिलों के डीएम के साथ पीएम मोदी ने की वर्चुअल मीटिंग। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए दिया गुरु मंत्र। पीएम ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने को भी कहा। अफवाह और भ्रम से निपटना बताया बड़ी चुनौती। औरों को टीका लगाने के लिए मेहनत कीजिए, तय कीजिए हर दिन 5 लोगों का इस काम में जोड़ेंगे, 10 लोगों को जोड़ेंगे, 2 लोगों को जोड़ेंगे। ये मानवता का काम है। गाजियाबाद में हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट की पहल। शहीद हुए वीर सपूतों के स्मारक पर दिया जलाने की मुहिम। बिहार में छठे चरण का पंचायत चुनाव। हाजीपुर में वोटिंग के दौरान बवाल। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज। मोतिहारी में मतदान केंद्र पर भारी उपद्रव। ईवीएम मशीन को तोड़ा। मारपीट कर सुरक्षा कर्मियों को किया घायल। उन्नाव में बेकाबू रफ्तार ट्रक की टक्कर से पलटी कार। 4 लोगों की मौत। समस्तीपुर के रोसरा में हिरासत में लिए गए सफाई कर्मी की तबियत बिगड़ने पर बवाल। गुस्साए लोगों ने थाने में की तोड़फोड़। छोटी दिवाली पर T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को मिला जीत का स्वाद। अफगानिस्तान को 66 रन से हराया। भारत के गेंदबाजों के सामने नहीं टिक सके अफगानिस्तान के बल्लेबाज। 210 रन का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम। 7 विकेट पर महज बना सकी 144 रन। टीम इंडिया की तरफ से शमी और अश्विनी ने की धारदार गेंदबाजी। शमी ने 3, अश्विनी ने 2 विकेट झटके। बुमराह जडेजा को मिले 1-1 विकेट। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने खेली शानदार पारी। 47 गेंद पर बनाए धुआंधार 74 रन। अफगानिस्तान के खिलाफ केएल राहुल का भी बोला बल्ला। 48 गेंद पर ठोका 69 रन। पंड्या ने 13 गेंद में भी जड़ डाला 35 रन।